वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, जो कुछ भी गलती हमसे हुई है उसे माफ़ कर देना। आपने इतने दिन इतना प्यार और सपोर्ट दिया, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और हाथ जोड़कर एक और विनती है बच्चों कि आज आपसे ये हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बोला है सभी अपने दिल की गहराइयों से, ये हमारे अंदर की एक आवाज़ है। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना। आज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और बच्चों आपको दिल से बताएं तो आज ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं बीमार पड़ चुका हूँ, शरीर में कोई भी जोर नहीं है, एकदम असहाय पड़ गया हूँ, अंदर से रोना आ रहा है। अब इसका कारण है आप सब बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार और लगाव। पिछले एक दो दिन से बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे, अब आपका वो हेलो दोस्तों स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में, ये आपका इंट्रो नहीं सुनने को मिलेगा। तो उतना ही ज़्यादा दर्द हमें है बच्चों, क्योंकि अगर किसी से इतना ज़्यादा लगाव हो जाए तो अचानक से अगर उनसे थोड़ा दूरी हो जाए तो भाई उसका दर्द क्या होता है ये आप भी भली भांत जानते हैं, क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत कमाया जा सकता है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने तो कहा कि भाई आप व्यूज के लिए ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो बच्चों सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, किसी का प्यार मिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसे ज़बरदस्ती नहीं ये हासिल किया जा सकता है। और ये चैनल बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है और एक लगाव है, एक प्यार है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल हैं लेकिन अगर कमेंट देखेंगे तो 2000, 2500, 3000, 1100, 1200 ऐसे कमेंट हमारे हर एक वीडियो में आपको पिछले कुछ दिनों से मिल जाएंगे। और हर एक संभव कोशिश करते हैं कि बच्चों आपके कमेंट का हम रिप्लाई कर सकें जहां तक संभव हो पाता है। तो ये प्यार ही है, एक लगाव है। और आज बहुत ही ज़्यादा अंदर से रोना सा रहा है, रोने का मन कर रहा है कि यार कुछ दिमाग हल्का हो जाए। और बहुत सारे बच्चों ने तो इतना ज़्यादा गाली भी दिया, देखिए जो भी हम दिल से बोलते हैं गाली भी दिया, 10-10 बार वही कमेंट रिप्लाई किया, हमने उनको देखा बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खैर उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम यही कहेंगे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि उनको सद्बुद्धि देना, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकें। और जो बच्चे इस चैनल से हार्डली इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनको तो हम दिल से यही दुआ देते हैं, हमारे दिल से बच्चों ये दुआ निकल रही है, हम दिल से आशीर्वाद आपको दे रहे हैं कि आप लोग लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। बस इसी तरह बच्चों जी जान से लाइफ में आगे भी ऐसे अपने कदम को बढ़ाए रखना बच्चों, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ये हम दिल से बोल रहे हैं। और ये हमारी समझ लीजिए एक दुआ है ईश्वर से, यही कामना है कि आप सभी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। बाकी रही पेपर की बात बच्चों, तो पेपर में देखिए हमने बोला ना कि हर एक सब्जेक्ट के 5 से 7 सेट बनते हैं, तो भाई किसी में क्या है, हमने बताया कि हर एक सब्जेक्ट का 1, 2 या 3 सेट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन रहे हैं। फिजिक्स में तो भाई 7-8 नंबर तक के क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो उसमें बताइए हम सब का क्या दोष है, बताइए इसमें भाई अगर किताब के बाहर का आ जाता है जो 30% कटे हैं उसमें से आ जाता है तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई। 7-8 नंबर बहुत बड़ी बात होती है और पिछले साल की तरह उसका नंबर मिलेगा, डोंट वरी। जो बच्चे बोल रहे हैं सब फालतू की बात है, फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, आप बिल्कुल भी उस बारे में टेंशन मत लीजिए, उसका नंबर मिलेगा। लेकिन बस यार बुरा इसी बात का लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, इतना उल्टा सीधा बोलते हो, गाली देते हो। हमने बोला ना कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो भाई कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें बाहर का, लेकिन 4 से 5 सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर यही आपने चीज़ साल भर पहले किया होता, जो 4 दिन में आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में इस चैनल उस चैनल से यहाँ से वहाँ से जो देखते हो बच्चों, अगर काश आपने साल भर पहले से ये चीज़ ये रूटीन अपना लिया होता, एक टाइम टेबल से आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़े होते, डेरिवेशन को ढंग से पढ़े होते, हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ा होता, तो आज ये कहने का मौका ही नहीं मिलता। इसमें से बहुत सारे बच्चे वो भी तो है ना कि जो क्या है अच्छा पेपर करके आ रहे हैं, तो भाई वो क्या कहें,
कुछ बच्चों ने कहा सर आपने जो बताया उसमें कुछ ही टॉपिक मिले 70 में से 20-25 नंबर, लेकिन सर खुशी हुई कि आपने एक दो दिन में ही बता दिया, उतना मिल गया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने मेहनत किया था इसलिए पेपर अच्छा गया। तो वो चीज़ अगर आपने किया होता तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाता। यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसी बातों को सुन करके, जो है बच्चों हम दिल से बोलते हैं, हमने वो तक बोला ना कि हम पीठ पीछे बोलने वालों में से नहीं हैं, हम उस सिचुएशन से हैं, उस फैमिली से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उस तरह के आपके हम जज्बात को समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, हम भी उस सिचुएशन में पल रहे हैं। और आज हम बहुत बड़ा कोई भी हमारा नाम नहीं हो गया है, आपने इतना प्यार दिया, ये साल भर में 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर जो ये आप समझ रहे हैं साल भर में मिला है, तो साल भर में नहीं, केवल महज 2 महीने में ही 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर अपने इस चैनल पर आए हैं आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो ये चैनल आपके लिए इतना ज़्यादा अगर मायने रखता है तो ये सब क्या है बच्चों, आप सबका प्यार है, और आप सबके प्यार के कारण ही आज जो कुछ संभव हो पाया, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और खैर आपकी मर्जी, बस यही कहना चाहते हैं कि यार अगर आप लोग ऐसा बोलते हो तो सच बताऊँ दिल से बुरा लगता है। तो खैर कुछ हम कह नहीं सकते हैं भाई, हम तो दिन रात मेहनत करके देखा होगा, एक एक दो दो घंटे, चार चार घंटे लिखने के बाद वीडियो बनाते हैं। तो बच्चों इसमें आपको लगता है आसान काम है, तो आसान काम नहीं, एक वीडियो शूट करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, शूट करना, अपलोड करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, एडिट करना, तो 4 से 5 घंटे का, और वो सारा काम हम खुद अकेले करते हैं, अलग से हमने कोई भी पर्सन नहीं, कोई आदमी नहीं रखा है, किसी को नहीं रखा है कि वो सब काम हम, क्योंकि हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं। तो ये चीज़ तो यार समझा करो कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोग अगर ऐसा बोल देते हो तो थोड़ा अंदर से एकदम से जोश और जुनून ख़त्म हो जाता है, तो मूड होता है यार क्या करूँ, बंद कर दूँ, ये सारे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मिस करेंगे बच्चों आप सबको बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कल लाइव आ जाइए, देखते हैं कि भाई कल हो सकता है लाइव आएंगे हम शाम तक, रात में, या फिर सुबह आपको बता देंगे कि लाइव आएंगे या फिर नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी बच्चों कल आपसे लाइव मिले। बाकी दिल से यार रोना आ रहा, खैर छोड़िए, बस मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ।